लीजिए। वैसे बहुत अजीब सी बात है, मैं इतनी हैरान हुई हूँ ये बात सुन के कि मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ, मगर मेरे यार भाई ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया, तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं किया और हुरिया का घर बच गया। अब क्या लगता है आपको, हुरिया वापस जाएगी? तो और क्या करेगी, कब तक यहाँ ऐसे ही बैठी रहेगी? देना वो वही उसका घर है, और अब मेहरियार भाई लंदन से वापस आ गए तो उसे वापस जाना ही होगा। बहराम, मुझे लगता है कि हुरिया ने मेहरियार भाई को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। आखिर मेहरियार भाई को छोड़कर वो करेगी भी क्या? अगर नौकरी मिल भी गई, 2 दिन नौकरी पर जाएगी, 2 दिन छुट्टी करेगी, 4 दिन में नौकरी से निकाली जाएगी और दोबारा घर बैठ जाएगी। इसलिए उसे हर हाल में अपने घर वापस जाना होगा। मुझे इसके अलावा कोई हल नहीं नजर आता। हुरिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहले मुझे यकीन ही नहीं आया। आपको ऐसी बात करने से पहले कुछ सोचना तो चाहिए था। मुझे आपकी ये बात बेहद नामुनासिब लगी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चांदनी, ये बात मैंने पहले भी किसी से नहीं कही, क्योंकि ये बात मुझे खुद नामुनासिब लगती है। लेकिन उस वक्त हुरिया को मुझे ये सब बताना पड़ा। वो हालात के दबाव का शिकार थी, लेकिन आप तो समझदार हैं। I'm sorry, लेकिन हुरिया बात इस तरह कर रही थी कि मुझे उसे वजाहत देनी पड़ी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेहरियार भाई ने हुरिया को तलाक नहीं दी थी, वो हुरिया की गलत फहमी थी, उन्होंने पेपर्स नहीं साइन किए। तो फिर वो इद्दत, वो सब क्या? वो गलत फहमी थी बस। हुरिया अपने घर वापस जा रही है, और जो कुछ उसने आपको कहा था नादानी में, प्लीज आप उसे भूल जाएं। और अगर एनी आपा ने वाकई आपसे ऐसे कुछ कहा है, तो प्लीज आप उसे भी भूल जाएं, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। बेटा अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें मेरी आके घर छोड़ा हूं। डर लग रहा है बहुत। किस बात से डर लग रहा है? इतनी लड़ाइयां, बदतमीजी, बहस, गलत फहमियां, कैसे वापस जाऊंगी उस घर में? पहले यार पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कैसे सामना करूंगी? बेटा वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारा शौहर है। ये भरम तो गैरों के आगे रखे जाते हैं।